G20 की मेजबानी पूरा देश मेजबान है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों की है, मेरे दिल्ली के नागरिकों की है। और इसलिए देश की साख पर रत्ती भर भी आंच न आए, ये हमारे दिल्ली को करके दिखाना है। देश की आन बान शान का झंडा ऊंचा करने का सौभाग्य मेरे दिल्ली के भाइयों बहनों के पास है। और इतनी बड़ी मात्रा में विश्व से मेहमान आते हैं तो असुविधा तो होती ही होती है। अपने घर में भी अगर 5-7 मेहमान आ जाए तो घर के लोग मुख्य सोफा पर नहीं बैठते, अगल वाली छोटी सी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि मेहमान को जगह देते हैं। हमारे यहां भी अतिथि देवो भव के हमारे संस्कार है। हमारी तरफ से जितना ज्यादा मान सम्मान स्वागत हम दुनिया को देंगे, वो सम्मान अपना बढ़ाने वाले हैं, हमारा गौरव बढ़ाने वाले हैं, हमारी साख बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए सितंबर में 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक बहुत सारी गतिविधियां यहां रहेगी। मैं दिल्ली वालों से आने वाले दिनों में जो असुविधा होने वाली है उसकी क्षमा याचना आज ही कर लेता हूं, और मैं उनसे आग्रह करता हूं, ये मेहमान हम सबके हैं, हमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी असुविधा होगी, ट्रैफिक के सारी व्यवस्थाएं बदल जाएगी, बहुत जगह पे हमें जाने से रोका जाएगा, लेकिन कुछ चीजें आवश्यक होती है। और हम तो जानते हैं परिवार में अगर शादी भी होती है ना, तो घर के हर लोग कहते हैं अगर नाखून काटते समय थोड़ा सा अगर खून निकल गया हो तो भी लोग अरे भाई संभालो, घर में अवसर है, कुछ चोट नहीं लगनी चाहिए, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ये अपना बड़ा अवसर है, एक परिवार के नाते ये सारे मेहमान हमारे हैं। हमें हम सबके प्रयासों से ये हमारा G20 समिट शानदार हो, रंग बिरंगा हो, हमारा पूरा दिल्ली रंग राग से भरा हुआ हो, ये काम दिल्ली के मेरे नागरिक भाई बहन करके दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।